ठीक है. सो दिस इज मेन ऑटोडेस्क वेबसाइट, autodesk.in फॉर इंडिया. autodesk.com करेंगे तो जो यूएसए की वेबसाइट है वो भी ओपन हो जाएगी. सो यहाँ पर देर इज ए ऑप्शन, देखिए इसी में. ये जो विजिट द कोविड-19 रिसोर्स सेंटर लिखा है, इसके नीचे देखिए ब्लैक फ्राइडे सेल और 10 डेज ओनली, और उसके बाद में सेव अप टू 25% ऑन इसेंशियल सॉफ्टवेयर्स, ये लिखा हुआ. और उसके बाद में नीचे है बाय नाउ. ठीक है, बाय नाउ पे एक हम क्लिक करते हैं. आया ना, हाँ शोर है. हाँ स्क्रीन डिफरेंट क्यों आ रही है? क्या? अच्छा दूसरे टाइम में बोल रहा हूँ अच्छा दूसरे टाइम बोल ये क्या करना है, शेयर कर ये तो दो. ये वाली क्या हाँ नाम उसको शेयर कर है, उसको शेयर दूंगा. करूँ, हाँ शेयर दिस टाइम हाँ मुझे। हाँ सो हमने जो बाय नाउ पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन है हमारे पास में. इसके लाइसेंस के लिए देखिए, फॉर 1 ईयर टर्म के लिए जो है वो 75,225 रुपीज का लाइसेंस है. लाइसेंस भी है ऑटोकैड की, और देर इज एक एलटी वर्जन भी है इसका, जिसकी भी 70,051 है पर ईयर. तो अब ये जो है, ये प्राइस ये पे ऑप्शन वाले हैं. हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट वर्जन जो है वो डाउनलोड करें. तो हम क्या करेंगे, फ्री ट्रायल्स ऊपर लिखा हुआ है देखिए, ये फ्री ट्रायल्स पे क्लिक करेंगे. हाँ तो जब फ्री ट्रायल्स पे हमने क्लिक किया तो देर आर टू ऑप्शंस नाउ यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इस वेब पेज पे. ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर फ्री ट्रायल्स, जिसमें अनलॉक स्टूडेंट एक्सेस और दूसरा है व्यू फाइल्स फॉर फ्री. तो हम अनलॉक स्टूडेंट एक्सेस पे क्लिक करेंगे. हाँ ये हमें यूएस की साइट पे रिडायरेक्ट करेगा. इसको शेयर करूँ, ठीक है. सो ये दिस इज अनलॉक एजुकेशनल एक्सेस टू ऑटोडेस्क प्रोडक्ट. मतलब सिर्फ ऑटोकैड ही नहीं, ऑटोकैड के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे 3DS है या ऑटोडेस्क इन्वेंटर है, ये सभी सॉफ्टवेयर्स की हमें एक्सेस मिल जाती है एजुकेशनल एक्सेस में. सो हम यहाँ नीचे गेट स्टार्टेड बटन है, इस गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे. हाँ अब गेट स्टार्टेड बटन पे जो हमने क्लिक किया तो जो ये ऑप्शंस, जो जो पेज ओपन हुआ है उस पेज में हमें कुछ डिटेल्स एंटर करना है, जैसे कंट्री नेम, एजुकेशनल रोल और इंस्टीट्यूशन टाइप. तो हम यहाँ पे कंट्री इंसर्ट करते हैं, इंडिया. नाउ एजुकेशनल रोल इज कि आप स्टूडेंट हैं, या आप लोगों के लिए ऑप्शन आपको जो चूज करना हुआ है स्टूडेंट, और जो एजुकेटर है जो हम लोग हैं जैसे, तो हम एजुकेटर को जो है वो क्लिक करेंगे. आप लोग स्टूडेंट पर क्लिक करना है आपको. हाँ देन इंस्टीट्यूशन टाइप, सो इंस्टीट्यूशन टाइप पे ऑप्शंस जो हैं, वी हैव हाई स्कूल और सेकेंडरी, एंड अनदर वन इज यूनिवर्सिटी और पोस्ट सेकेंडरी. सो आवर इंस्टीट्यूशन इज यूनिवर्सिटी और पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन. तो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. करते आप लोग कर रहे हैं क्या या जस्ट देख रहे हैं? सर सर देख स्क्रीन रहे देख हैं, ही रहे हैं, देख रहे देख हैं, रहे हैं, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर, सर डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहे हैं सर। सर कर रहे हैं, हम तो डेट ऑफ बर्थ जस्ट डाल रहे हैं वेट, सर अभी. जस्ट वेट, वन बाय वन स्टेप हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो ये वीडियो जो है वो, इसको हम बाद में भी व्यू कर सकते हैं यदि दो जो लोग अभी देख रहे हैं कर नहीं रहे, ठीक. सो जो नेक्स्ट बटन पे जो हमने क्लिक किया तो
तो हमें क्रिएट अकाउंट के लिए कहा गया है कि आप अकाउंट क्रिएट करिए ऑटोडेस्क पे, तो हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं. सो राइट योर फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. ईमेल यहाँ पर जो ईमेल है, ईमेल इंस्टीट्यूट ईमेल होगा तो ज्यादा बेटर होगा. तो अभी शरद सर के पास में स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी है, जो हमारे इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी वो है, तो हम उस ईमेल को यहाँ पर इंटर करेंगे. आप लोगों के पास में अभी ये ईमेल आईडी है नहीं, तो आप लोग अपना पर्सनल ईमेल आईडी अभी यहाँ पर इंटर करके अकाउंट खोल सकते हैं. हाँ, और अगर नहीं है सो जस्ट वेट फॉर द ईमेल आईडी. जब ईमेल आईडी आपको अलॉट हो जाए देन यू कैन क्रिएट एन अकाउंट. नाउ कंफर्म ईमेल. सर मतलब अभी नहीं बना है? जस्ट वॉच कर लो अभी. सर ईमेल कंफर्म नहीं कर रहा है, ये जो सेकंड नंबर में कंफर्म ईमेल का ऑप्शन आ रहा ना उधर पे, रॉन्ग बता रहा है बार बार. हाँ तो अभी रुक जाओ. और ईमेल आईडी दोनों जो है वो हमने जो ईमेल फर्स्ट उसमें जो इंटर किया है और सेकंड कंफर्म ईमेल जो कर रहे हैं, दोनों में देख लो कोई डिफरेंस तो नहीं है स्पेलिंग का? सेम स्पेलिंग है ना, क्योंकि तभी वो मिसमैच बताया. मेरे में तो हो गया. हाँ, आपके इसमें हो गया. ठीक है, सेट पासवर्ड. आप पासवर्ड क्रिएट कर लें आपका. सो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट वन नंबर हो, अल्फाबेट हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और जो कैपिटल लेटर एक होना चाहिए. सर पासवर्ड मेल का नहीं डालना है ना? नहीं, पासवर्ड मेल का नहीं डालना है. मतलब जो पासवर्ड है इट शुड कंटेन वन लेटर, वन नंबर, मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स and at least 3 unique characters. तो जो practice है password create करने की वो है कि हम एक number ले लेते हैं, एक alphabet लेते हैं, capital use कर लेते हैं और साथ में कोई special character जो है वो use कर लेते हैं, तो password strong create हो जाता है. Then check on I agree to the Autodesk terms of use and then click on create account. नोट कर लिया. ठीक है, create account. So it is a Now asking for verification कि जो ईमेल आईडी हमने प्रोवाइड किया है उस ईमेल आईडी पे ऑटोडेस्क की तरफ से एक ईमेल आएगा. उस ईमेल पे एक लिंक होगा, उस लिंक को हमें क्लिक करना होगा जिससे हम ये जो अकाउंट का वेरीफाई कर सके ईमेल आईडी. वी आर चेकिंग ईमेल. ऑटोडेस्क के ईमेल आ गया है. सो उसमें लिंक है एंड ये देखो. सो हियर इट इज, ये मेल है, ये ईमेल आया हमें. अब हम इस ईमेल को वेरीफाई करेंगे. क्लिक ऑन वेरीफाई. में सो ये अकाउंट इज वेरीफाइड नाउ. ठीक है, नीचे जो है वो उसमें थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ऑटोडेस्क. सो चेक दिस बॉक्स टू रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस इंक्लूडिंग ई मार्केटिंग मेल्स. और ये यदि आपको चाहते हैं कि ऑटोडेस्क की तरफ से मार्केटिंग के ईमेल्स या नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या कुछ और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो आपके ईमेल में रिसीव हो वो सब इंफॉर्मेशन, तो इस बॉक्स को चेक करिएगा. यदि आप नहीं चाहते कि आपको वो मेल्स नहीं चाहिए तो आप इस बॉक्स को अनचेक कर दीजिए.
एंड देन क्लिक ऑन डन। जब आप डन क्लिक करेंगे तो कुछ और इंफॉर्मेशन ये हमसे मांगेगा कि टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हाउ यू प्लान टू यूज योर फ्री सॉफ्टवेयर, कि ये जो फ्री सॉफ्टवेयर हम कैसा यूज करना चाहते हैं और हम इसको हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे लिखेंगे देवी अहिल्या, देवी अहिल्या का भी ऑप्शन आ रहा था, आ रहा था हाँ, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। IIT DAV इंदौर MP है, यहां से भी या देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हम क्लिक करेंगे तो वहां से भी आ जाएगा ऑप्शन। देन डिपार्टमेंट और फैकल्टी, IIT DAV लिखना है यहाँ पर और यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखना है। सो फर्स्ट में हमें यूनिवर्सिटी का नाम डालना है बिकॉज वी आर मीन्स IIT इज अ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉलेज, ठीक है। सो यहाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑब्लिक फैकल्टी है तो यहाँ हम लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सर हमारे में ये डिपार्टमेंट और फैकल्टी नहीं आ रहा है। आपने IIT DAV लिखा है क्या? नो सर, देवी अहिल्या लिखा है। नहीं सर, वो फैकल्टी मेंबर एजुकेटर्स के लिए है ना सर, आप स्टूडेंट है ना आप, तो स्टूडेंट में क्या, कैन यू शेयर द स्क्रीन? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ताकि दिख जाए हमें कि क्या ऑप्शन है वहां पर। यस पुष्पेंद्र, ओके आपने सिलेक्ट किया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, हाँ ठीक है, इट्स ओके। आपके इसमें नहीं आ रहा है, हमारे इसमें जो है वो फ्रॉम एजुकेटर से जो है वो आया, ठीक है ठीक है, इट्स ओके। इधर पे क्या चेक कर दें हम, ग्रेजुएटेड मंथ में ग्रेजुएटेड इधर एनरोलमेंट फ्रॉम, तो एनरोलमेंट आपका नवंबर 2020 हो गया और ग्रेजुएटेड इन, सो यू विल बी ग्रेजुएटेड इन 2024, सो दैट विल बी जून, हाँ जून, यस ओके देन सेव, यस योर अकाउंट इज सेट नाउ, ठीक है। सो अब हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। सो शेयर सर प्रेजेंट करो ना, शेयर किया ये पर्सनल यूज करो, पर्सनल यूज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसको शेयर कर दो, प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट नाउ हट गया ना, उसने प्रेजेंट किया रिज्यूम। हाँ सो ये दिस इज फॉर एजुकेटर, तो यहाँ पर हमने ऊपर इंफॉर्मेशन इंटर की और जो हमारा फील्ड है जैसे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सो हमने इंटर किया। नीचे इंटेंट ऑफ यूसेज, सो कैन नॉट बी चेंज लेटर, है ना, दैट इज पर्सनल यूज ओनली, सो दैट इज पर्सनल डिवाइस पर यूज करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है पर्सनल यूज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिप्लॉयमेंट। अब हमारे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपके इसमें क्या ऑप्शन है? सर हमें था ही नहीं ऑप्शन, ठीक है था ही नहीं, आपके लिए स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट था, सो हम इस पे पर्सनल यूज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिप्लॉयमेंट इसको यूज करेंगे। नाउ द अकाउंट इज सेट, ओके कंटिन्यू, क्लिक ऑन कंटिन्यू, सो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पुष्पेंद्र प्लीज म्यूट, ओके नेटवर्क कर रहा है सारे स्टूडेंट वा, हम्म, ये ब्लैंक स्क्रीन कोई भी नहीं आ रहा है।
हाँ ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। सर भी वेबसाइट पे ट्रैफिक सर वापस से जाके लॉग इन करना पड़ेगा। ओके सब ब्लैंक आ रहा है ना, सो नो इशू। हम लोग ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे साइन इन ऑप्शन है तो वहां से साइन इन कर लेते हैं। ठीक है इसको सर एनरोल्ड और ग्रेजुएट में क्या डालना है? एनरोल में आप एनरोलमेंट आपने एडमिशन कब लिया, और ग्रेजुएटेड में आपको 4 साल की डिग्री है तो 4 साल की आपकी डिग्री है, यू विल बी ग्रेजुएटेड इन जून 2024 और एनरोल में नवंबर 2020। हाँ ओके सो हम ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी तो हमने क्या किया autodesk.com मतलब autodesk की वेबसाइट पे वापस चले जाते हैं और यहां से साइन इन करते हैं। साइन इन ऑप्शन ऊपर है सर, वो पहले से ही साइन इन है सर। हाँ ये साइन इन, हम साइन इन है, एससी लिखा हुआ है ना, शरद चौधरी सर के नाम से बना है। यस सर। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हम फ्री ट्रायल्स, अगेन फ्री ट्रायल्स जो लिखा है नीचे कुछ है क्या? तो अनलॉक स्टूडेंट एक्सेस जो है स्लो चल रहा है। यस अनलॉक स्टूडेंट एक्सेस क्लिक करें। अगेन क्लिक ऑन आगे ना, सो अनलॉक स्टूडेंट एक्सेस पे जब क्लिक किया सो देयर इज अ मैसेज, हाय शरद, ठीक है ना, वी स्टिल नीड टू कंफर्म योर एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशनल एक्सेस टू ऑटोडेस्क प्रोडक्ट, सो गेट स्टार्टेड टू बिगन द प्रोसेस, सो क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड बटन। सो तो अब जो इन्फॉर्मेशन देखी हमने जो एंटर की थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, देन कंट्री और रीजन आ गया, इंस्टीट्यूशन टाइप भी आ गया, नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आ गया, देन वी हैव टू कंफर्म दिस, क्लिक ऑन कंफर्म। नेट स्लो है ना, स्पीड कम। ये पेज ओपन होगा। हाँ अब ये इसमें जो डॉक्यूमेंट है सो इट इज आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट टू अपलोड, और डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड योर फुल लीगल नेम, जैसे शरद सर का नाम है शरद चौधरी तो शरद चौधरी, एंड द नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट विच यू आर एनरोल्ड और एम्प्लॉयड, सो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ये लिखा हुआ आना चाहिए उसमें, एंड अ डेट विद इन द करंट स्कूल टर्म, मतलब करंटली आप उसके स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो। प्रीफर डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ट्रांसक्रिप्ट, जो ट्रांसक्रिप्ट हमारी बनती है वो है, या स्कूल इशूड कन्फर्मेशन लेटर, एडमिशन का लेटर आपको मिला होगा कि आप इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं, आपका एडमिशन हो गया है, तो दैट इज स्कूल इशूड कन्फर्मेशन लेटर, और अ कॉपी ऑफ योर स्टूडेंट आई डी, फोटो आई डी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मीन्स स्टूडेंट आईडी जो हमारा होता है जो इंस्टीट्यूशन से हम आईडी देते हैं आपको, वो आईडी, तो इसमें से ये डॉक्यूमेंट प्रिफर होना चाहिए, मतलब हमें ये यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि हम जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, तो देन ही विल जनरेट अ लाइसेंस फॉर अस, अदरवाइज द लाइसेंस विल बी ऑफ 30 डेज, जो है 30 डेज और 60 डेज का जो लाइसेंस है वो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड। So, यहाँ पर there is a time period also कि you have 14 days to upload your documentation. नीचे करो शेयर सर क्या? So, submit and then cancel. So, यदि आपके पास है तो आप submit करके कर सकते हैं अभी सर, कहाँ पे documents? We don't have, I think शेर सर के पास अभी नहीं है।
सर आप यहाँ आए कैसे वो ही हाँ जी सर कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना यहाँ पर डॉक्यूमेंट मतलब पिछले स्क्रीन पे थोड़ा डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है ना वो कहाँ पे लास्ट स्क्रीन पे मतलब कहाँ पे ये मेरे को ऑप्शंस आ रहे हैं एजुकेशन गेट स्टार्टेड लर्न एंड टीच कंपोजिशन पेपर एक्सेलेंट सपोर्ट एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नीडेड ना इस पेज पर है ना सब और अभी हम कॉलेज आईडी तो बनाई ही तो फिर वो कैसे करेंगे ये से काम हो जाएगा ना बेटा आपका जो एडमिशन हुआ है एडमिशन हुआ है आपको जो एडमिशन स्लिप मिली है ना सर ये ऑप्शन आ किधर पे रहा है ये मेरे को नहीं दिख रहा है एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नीडेड हाँ सर आपने यहाँ तक आए कैसे वो नहीं समझ आया सर हम लोग तो बस ऑटो कैट की साइट खोल के रखे सर वहां से कैसे आना है साइन इन किया हमने फिर से जाके साइन इन किया नैनी नैनी कैन यू शेयर योर स्क्रीन आप लोग नैनी की स्क्रीन देखिए जी सर एंड प्लीज एक्सप्लेन ये देखिए जब आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे मतलब वंस यू हैव क्रिएटेड अकाउंट जब आपने अकाउंट क्रिएट किया मतलब ईमेल वेरीफाई हो गया और उसके बाद में अकाउंट क्रिएट किया अकाउंट सेटअप होने के बाद में जो है वो ये पेज आएगा आपका अनलॉक स्टूडेंट एक्सेस वाला जो जो इनिशियली हमने क्लिक किया था ऑप्शन की अनलॉक स्टूडेंट एक्सेस उस पर क्लिक करेंगे तो वो फिर ये पेज आपको ओपन करके देगा नेक्स्ट करेंगे जब उसमें ठीक है नहीं दे रहा है सर सर हम लोग यू शेयर योर आई नहीं है शानिध्य शेयर योर स्क्रीन नाउ यस सर यहाँ तक क्या आ गए सर हाँ ये आप लॉगिन हो देखो एसटी लिखा हुआ है आपके यहाँ पे यस सर ऊपर सर्च के पास में है ना सो यू आर लॉग इन नाउ क्लिक ऑन अनलॉक स्टूडेंट एक्सेस और किसी का पेज नहीं खुला हो जो हम जहां पर हम आए तो यहां से देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद ये जो स्टूडेंट एक्सेस का जो इन्फॉर्मेशन था अनलॉक स्टूडेंट एजुकेशन एक्सेस टू है ना तो वहां पे देखिए गेट स्टार्टेड अगेन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड आप लॉगिन है ना हाँ सर लॉगिन था मेरा नाम भी तो आ रहा था नीचे साइन इन पे दबाएंगे तो आ रहा है साइन इन करके ओके या नीचे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन यहाँ सर हाँ यहाँ पे कर लो साइन इन ऊपर भी साइन इन है तो आप कहीं से भी कर सकते सर डाल दे डॉक्यूमेंट वेरी गुड अब क्या करना है मतलब उसके बाद अब कुछ नहीं अब आपको एक ईमेल आएगा आप सबमिट कर दिया आपने डॉक्यूमेंट हाँ मतलब हाँ कर दिया सर सबमिट करने के बाद क्या मैसेज आया एक मिनट लोड हो रहा है ये द प्रोसेस टू वेरीफाई एलिजिबिलिटी प्रोटोडेस एजुकेशन लाइसेंस हैज नाउ स्टार्टेड 48 आवर्स लगेंगे ठीक सर एडमिशन स्लिप डालनी है ना हाँ आपकी एडमिशन स्लिप आप अपलोड कर दीजिएगा सो दैट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर स्टूडेंट लाइसेंस
हाँ सानी एक मिनट सर, पर हो गया सर, मैं लैपटॉप का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है ये बता दीजिए। सो ओके हरूप यू आप शेयर करो। सर मैं बाइक बोल रहा हूँ सर, मैं दूसरे अकाउंट से मैं क्लास में घुसता हूँ तब शेयर कर पाऊंगा, मैं मोबाइल से चला रहा था ना अभी। अच्छा, मैं लैपटॉप पे आ रहा हूँ, एक मिनट एक्सेप्ट करना। सर वो तो बिना एक्सेप्ट के से ठीक है, अभी जिसने कर लिया उससे करवा लेते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। यस सर एक मिनट, आई डोंट नो योर एंटायर स्क्रिप्ट ये मैं। और इनके अलावा किसी और ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो? सर कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? एडमिशन स्लिप डीएवीवी की सर हो रहा। यस yes, आपका एडमिशन हुआ ना आईटी में वाली yes, सर हो रहा सर, उसमें देवी अल्लाह विश्वविद्यालय रिटर्न होना चाहिए लिखा हुआ। ओके सो जब वो जो स्क्रीन थी हमारी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने की, जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसके बाद में ये यू आर कंफर्म्ड सो दिस मैसेज विल कम, सो उसके बाद में नीचे लिखा गेट ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर, तो गेट ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर पे क्लिक करें। ओके सो ये नीचे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे वन टिंकर कैड, रेविट, 3DMS, AutoCAD, Fusion 360, AutoCAD for Mac, Inventor Professionals, ये सारे सॉफ्टवेयर की एक्सेस है अब हमारे पास में। हम ये सभी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, इन सभी का हमारे पास स्टूडेंट लाइसेंस है। तो यू डू वन थिंग, हाँ ये AutoCAD जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे गेट स्टार्टेड। सर सर हाँ सर मेल भी आ गया, वो तो डाउनलोड करने का, इंस्टॉल कर दूं सर? हाँ डाउनलोड करने का मेल भी आ गया ना। ठीक है देखो, ये जब हमने गेट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो उसके बाद में यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, वन इज ये एरो पे क्लिक करना, इसके पास में एरो एरो, वन इज इंस्टॉल एंड अनदर वन इज डाउनलोड। इंस्टॉल करेंगे तो उसकी इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड होगी, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड रहेगा, वो सर्वर से डायरेक्टली आपके सिस्टम पे जो वो इंस्टॉल करेगा। और डाउनलोड में AutoCAD का सेटअप आपके सिस्टम पर डाउनलोड होगा, फिर उसकी सेटअप फाइल में से आप इंस्टॉल करोगे, फिर वो इंस्टॉल होगा। सो यू क्लिक ऑन इंस्टॉल। एक्सेप्ट। दिस इज द AutoCAD 2021 इंस्टॉलर, यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। और लगता है आरूप का कनेक्शन, आरूप आप लगाओ हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नो इशू, कोई नहीं, फिर से लॉग इन हो। सर AutoCAD लाइट डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ AutoCAD लाइट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट इज आस्किंग फॉर इंस्टॉलेशन पाथ, इंस्टॉलेशन पाथ दे दो। ये देखिए ये 3.13 GB की फाइल है, ठीक है 3.13 GB का सेटअप है, और ये डाउनलोड होगा, ये कंप्लीट डाउनलोड होगा, ये मतलब ये टेम्प, ये जो डाउनलोड हो रही है फाइल्स, ये सारी फाइल्स सी ड्राइव में टेम्पररी फोल्डर में डाउनलोड हो रही है,
और ये इंस्टॉलेशन भी आपका चल रहा है, तो जो इंस्टॉलेशन की फाइल्स हैं वो हमारे टेम्पररी फोल्डर में भी अवेलेबल होती है. इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ इंटरनेट. जो आपकी इंटरनेट स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा कि हाउ क्विकली डाउनलोड. जैसे अभी इसकी हर रोप की स्पीड अच्छी है, 1 GB फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई विद इन 1 मिनट आई थिंक ना, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ. आरूप कौन सा कनेक्शन है सर? लैन है, मतलब बाय जियो. लैन है, जियो फाइबर. लैन से. अच्छा, जियो फाइबर का है. ठीक ठीक, आप वही स्क्रीन बताइए जो इंस्टॉलेशन चल. अच्छी स्पीड है जियो फाइबर की. यहाँ आ जाती है सर, बस कई जगह नहीं आती है. जो ऑटोडेस्क ऑटोकैड है ना हमारा, तो जो भी हम ड्राइंग जो भी बनाएंगे, लाइन ड्राइंग जो होती है, तो अभी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाएंगे. लेकिन सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए नहीं है ये, दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट इज अ थर्मल, वेदर इट इज अ डिजाइन, वेदर इट इज अ प्रोडक्शन, सभी के लिए हमें जो लेआउट या स्केचिंग बनाना होता है तो हमें ऑटोकैड से ही बनाना है. आप आदत डाल लीजिएगा कि आप ऑटोकैड में ही ड्राइंग बनाएंगे किसी भी सब्जेक्ट की. जयेश आपका क्वेश्चन है कुछ? आपने हैंड रेस किया है. डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद क्या करना है? डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में कंफर्मेशन आया होगा ना आपको? अभी तो नहीं आया. वो 48 आवर्स लगेंगे, मेरा तुरंत आ गया वो. ईमेल चेक कर लो एक बार. इस वेबसाइट पर आया था मेरे तो. इसी वेबसाइट पे कंफर्मेशन आता है ना तो? यस सर. सर इट इज ऑलमोस्ट फिनिशिंग. जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए बेटा, ऑटोकैड 2021. सो ये देखिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया. तो बता रहा है क्या? यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, प्लीज रिव्यू एनी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अलर्ट्स. मतलब इससे अलर्ट्स के जो आएंगे वो आप इंफॉर्मेशन रिव्यू कर लेंगे. ऑटोडेस्क डेस्कटॉप ऐप, ऑटोडेस्क फीचर्ड एप्स प्लगइन और ऑटोडेस्क ऐप मैनेजर, ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 ये आपके इंस्टॉल हुआ है. सो क्लिक ऑन लॉन्च नाउ. So data collection and use information of Celera. Okay, click okay. So this is your interface. ये आपकी working space है जहाँ पे xy जो coordinate system xy वो है. Now the first time आप इसको start करते हैं तो it is asking for the license. सो लाइसेंस इंफॉर्मेशन आप दे दें, लॉगिन हो जाइए. रिक्वेस्टेड सर्विसेज नॉट अवेलेबल. ओके ओके क्लिक कर दो. हाँ साइन इन कर लीजिए यहां से अकाउंट से.
सो एक टू वे ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए बोल रहा है, सो आप करते हैं तो इट्स ओके. सो वेलकम टू ऑटोडेस्क 360 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर साइन इन किया हुआ, ये आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे कर्सर का मूवमेंट हो रहा है. तो ये सिलेक्शन है और ऊपर जो है सब आइकन्स. ये हम आपको बाद में इसकी कमांड्स क्या क्या यूज करना है, कैसे लाइन ड्रॉ करना है, कैसे सर्कल ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है, ये सारे मैं आपको जो है वो एक लेक्चर जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बता देंगे. बट ये दिस इज द योर इंस्टॉलेशन, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई एंड दिस इज यूज. थैंक यू आरो. सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या करना है, एक बार और बता दीजिए. डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें कुछ नहीं करना. डॉक्यूमेंट जब हम अपलोड करते हैं सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं. प्लीज म्यूट करें कोई, एनीवन अनम्यूट है तो. हाँ, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना. सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें कंफर्मेशन मैसेज देगा कि वो डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड. ठीक है, उसके बाद में हम यदि साइन इन है उसी पेज पर तो वहां पर प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके हमें इंस्टॉल करना है जो प्रोडक्ट हमें चाहिए. यदि हमें साइन इन नहीं है तो हम साइन इन कर लेंगे और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करेंगे. ठीक है जी सर. और कोई यस एनीवन एल्स सर, इसकी लाइट सर, इस ऐप की लाइट वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? ये लैपटॉप या सर लैपटॉप या पीसी पे ही वर्क करेगा? ये जो वर्जन अभी डाउनलोड हुआ है ये तो लैपटॉप और पीसी पे ही वर्क करेगा. सर मोबाइल के लिए कोई वजह नहीं है क्या? वेबसाइट पे देखो ऑटोडेस्क की लेके आओ. ओके सर. मोबाइल से बहुत डिफिकल्ट होता है प्लस, बट इसका ऐप का एक वर्जन है मैंने देखा था उस पर. मोबाइल वर्जन के लिए मैं भी मतलब दिस इज द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोकैड. हमें ऑटोकैड का अकाउंट क्रिएट करना ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर जाकर और उसमें इंफॉर्मेशन देके अकाउंट क्रिएट करने के बाद में लाइसेंस डॉक्यूमेंट अपलोड करना. डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में जब अकाउंट सेटअप हो गया कंप्लीट तो हम जो ऑटोकैड के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. तो अभी हमने एक प्रोडक्ट ऑटोकैड 2021 इंस्टॉल किया है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन भी आपने देखा. ठीक है, सो दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसको इसका जो वर्किंग है ऑटोकैड का वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. सर प्ले स्टोर पे एक ऐप